अमरपाटन में एक जेठ जेठानी ने पारिवारिक विवाद में अपनी बहू पर उबलता हुआ पानी डाल दिया। वहीं कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और हाईवे पर ट्रैक्टर और कंटेनर की टक्कर में 7 लोग जख्मी हो गए। हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार युवक का रास्ता रोक बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और चाकू की नोक पर पैसे लूट लिए। पर वहीं नर्सरी के सामने एक युवक ने मोटरसाइकिल सवार युवक बलवीर सिंह का रास्ता रोका और अन्य साथियों को बुलाकर चाकू की नोक पर उसके साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने अमरापाटन थाने में की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परसवाही के पास में नर्सरी के सामने एक लड़के ने बाइक रोकी हमारी। बाइक रोकने के बाद बाइक रोका उसने तो हमने समझा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हाईवे है। तो हमने गाड़ी जैसे रोकी तो उधर से रॉन्ग साइड से 2 गाड़ियाँ आई। तो एक गाड़ी नाले में जो NH का जो नाला है दोनों तरफ से वहाँ पर बंद हो गई। एक गाड़ी जो है आई हमारे सामने, सफ़ेद कलर की अपाची थी। तो उसमें 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति एक व्यक्ति द्वारा जहाँ हमारे साथ में मारपीट की गई और दूसरे व्यक्ति साथ में जब मैं अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर पाया था तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ में चाकू से डराया। हमने पकड़ा भाई हमारी क्या गलती बताइए। तो जो भी हमारे जेब में पैसा था उस वक्त में दूसरे व्यक्ति ने मारपीट करने के बाद 1230-40 रुपए खुले थे, उनको छीन झपट के भाग गए वो। अमरपाटन थाने के ग्राम चौराहटा में एक महिला घर के आंगन में नहा रही थी। इसी दौरान जेठ जेठानी ने चूल्हे पर खौल रहे गर्म पानी को महिला के ऊपर डाल दिया, जिससे महिला बुरी तरह झुलस गई। गंभीर हालत में परिजन इस महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए महिला को जिला अस्पताल सतना के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जेठ श्यामलाल और जेठानी राधा पर मामला दर्ज किया है। वो माटी यो करत रहे थे, थोड़ी वो बोल चुकी है तो वही गाँव ही वो पानी डाल दे। श्यामलाल राधा गर्म पानी नहात रहे ने, पूरी साड़ी उतार के ब्लाउज पहने रहे ने, वो डाल दी से लिया के। नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जहाँ ट्रैक्टर और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार 7 लोग घायल हुए हैं, इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।